जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा का पूरा दोस्तों CISF पर है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पूरा का पूरा उसके बारे में होने वाला है कि सबसे अच्छी फोर्स क्यों माना जाती है और सबसे ज़्यादा SSGD में हाई मेरिट CISF की क्यों रहती है। इसके पीछे के आपको मैं आज रीज़न बताऊँगा कि क्यों ऐसा कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग CISF को पसंद करते हैं। क्या रीज़न है कि अधिकतर लोगों की जो बेस्ट चॉइस होती है वो CISF ही है। तो साथ ही बता दें दोस्तों, इससे पहले मैंने CRPF के बारे में पूरी जानकारी दी है कि CRPF बेस्ट कैसे है, उसके बारे में कौन कौन सी उसकी ड्यूटियाँ, उसके बारे में बताया साथ दोस्तों। उसका मैं वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही CISF, BSF, आर्मी या इनकी ट्रेनिंग में जो सबसे हार्ड होता है कि ट्रेनिंग सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, वो वीडियो मैंने बनाकर करके भी दिखाया कि कौन सी हार्ड ट्रेनिंग है। उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेशली बात करने वाले हैं CISF पर कि CISF देश की सबसे बेस्ट फोर्स क्यों माना जाती है। सबसे अधिकतर जो लोग हैं वो CISF को फर्स्ट चॉइस क्यों मानते हैं। आपने देखा वो SSGD में सबसे हाईएस्ट टॉप NIA के बाद में अगर टॉप मेरिट रहती है वो CISF की रहती है। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, CISF एक छोटी फोर्स है, ज़्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, छोटी फोर्स है, छोटा परिवार है CISF। साथ ही ये इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट ड्यूटी, मेट्रो ड्यूटी, इस प्रकार की ड्यूटियाँ करती है दोस्तों। CISF की जो स्पेशल ड्यूटी होती है उसमें स्पेशल कमांडोज भी होते हैं, निंजा कमांडो जिनको बोलते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना ही होगा निंजा कमांडो का, तो वो भी इसमें हैं। निंजा कमांडो स्पेशल VIP प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले CISF के एक वीडियो में वो गाड़ियों को पीछे से टर्न करवा के उसी टर्न पर मोड़ रहे थे, वो वीडियो निंजा कमांडो द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो CISF, उसके बाद में अगर बात करें हम CISF की तो ड्यूटी की, CISF में 8 घंटे ड्यूटी होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है, नॉर्मल ड्यूटी होती है। साथ में फैमिली रखने की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है CISF में, फैमिली रखने की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। छुट्टियों की बात करें तो CISF को 30 दिन EL, 15 दिन CL मिलती है दोस्तों। बाकी अर्ध सैनिक बलों की बजाय CISF में छुट्टियाँ कम मिलती है। उसका रीज़न यह है दोस्तों कि CISF जैसे सिटियों में या बड़ी बड़ी महानगरों में ऐसी जगह ड्यूटी करती है तो उनको फैमिली रखने का मौका सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी करती है जो फोर्स रहती है वो CISF रहती है। इन साथ में मेट्रो में देखा होगा, दिल्ली मेट्रो, जयपुर, सब जगह अगर कहीं भी आपको जो फोर्स देखने को मिल रही है वो CISF है दोस्तों। साथ में एयरपोर्ट ड्यूटियाँ करती है तो इनको फैमिली रखने की व्यवस्था अच्छी मिलती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी करती है CISF, जैसे नक्सल के खिलाफ कम ड्यूटी करती है या आतंकवादियों के खिलाफ कम ड्यूटी करती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको सबसे कम रिस्क वाली फौज मानते हैं कि CISF में सबसे कम रिस्क है। साथ ही बता दूं 1 महीने की इसमें लीव कम होती है लेकिन इसमें पेमेंट 12 महीनों में आपको 13 महीने का पेमेंट मिलता है, 1 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है CISF में। यह शायद बात आपको नहीं पता होगी तो बता दूं कि CISF में 13 मंथ का पेमेंट मिलता है दोस्तों। साथ में CISF की जो सैलरी है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया कि अभी प्रेजेंट टाइम उसकी सैलरी कितनी है, रिस्क अलाउंस कितना है, कितना कितना किस किस एरिया में मिलता है। आपको बता दूँ HRA भी CISF में वही 3 प्रकार है, पहला मिलिट्री में सभी में 3 प्रकार से मिलता है, हाई रिस्क अलाउंस, लो रिस्क अलाउंस और सबसे हाईएस्ट रिस्क अलाउंस, इसी प्रकार से 3 रिस्क अलाउंस इसमें भी मिलते हैं दोस्तों। CISF की जो ड्यूटियाँ होती है अधिकतर, ये ड्यूटी तो सभी की हार्ड होती है लेकिन मतलब सबसे कम रिस्क वाली ड्यूटी मानी जाती है CISF की। इसी का रीज़न है कि ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं, इसमें जाना पसंद करते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसमें जा सकते हैं। अब CISF में लड़कियों की भी भर्ती होती है और लड़कों की भी भर्ती होती है, तो इसको सबसे आसान रिस्क वाला फोर्स माना जाता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा भरते हैं दोस्तों CISF के। CISF की वर्दी इस प्रकार की होती है, वर्दी में मैंने पिक लगा रखी है जवान इस प्रकार की जो दिखने में भी शानदार होती है। CISF का भी अगर आप नाम जानते हो या कोई भी जानता है तो अच्छे तरीके से आज देश में काफ़ी इज्जत कमा रखी है CISF ने अपने काम से। सभी एयरपोर्ट सुरक्षित है आज हमारे देश के, उसका ज़्यादातर क्रेडिट CISF को जाता है दोस्तों। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में इनका आप काम देखते हो कितना बखूबी से अपना काम करती है। तो अगर दोस्तों आप CISF में जाना चाहते हो तो CISF बेस्ट चॉइस है, आप जा सकते हो CISF में। आपको बता दिया है कि ड्यूटी इसमें 45 दिन की छुट्टी होती है। इसके अलावा पेटर्नल लीव की अगर बात करें तो पेटर्नल लीव मिलती है 15 डेज, वो भी 2 बार, पूरी सर्विस में 2 बार पेटर्नल लीव मिलती है। साथ में अगर बात करें CISF की सुविधाएँ तो आपको बता दूँ दोस्तों, इनमें रेलवे भत्ता मिलता है, मतलब रेल में आने जाने के लिए वारंट मिलते हैं 3rd AC का, जिसमें आप आसानी से अपनी छुट्टियों में आ जा सकते हैं। साथ में आपको मेडिकल की उच्च से उच्च सुविधाएं मिलती है। आपके साथ साथ आपके नॉमिनी जो आप पे डिपेंड करता है, जिनके डिपेंडेंट कार्ड होते हैं उनकी भी व्यवस्था है। साथ में NPS पेंशन सुविधा के द्वारा CISF में नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके द्वारा जो CISF के जो जवान होते हैं 2004 के बाद उनको पेंशन की व्यवस्था भी की गई है दोस्तों।
इसके अलावा कैंटीन सुविधाएं, कैंटीन सुविधा का ऐसा है कि सीआईएसएफ के कैंटीन कम है लेकिन अर्धसैनिक बल के जहाँ पे भी सीपीसी कैंटीन है वहाँ से सभी जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ किसी भी डिपार्टमेंट का है वो दूसरे सीपीसी कैंटीन से सामान खरीद सकता है दोस्तों। तो सीआईएसएफ में फैमिली रखने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी अच्छी आपने देखे होंगे, फैमिली क्वार्टर मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो बाहर भी रहने की व्यवस्थाएँ सीआईएसएफ में बहुत अच्छी है दोस्तों। तो सीआईएसएफ के बारे में